नमस्कार। आज यहाँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत पवित्र दिन है। पवित्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बाहर से लोग, देश विदेश से, और देखिए ना, 10 लाख लोग पुणे के आलंदी और देहू से संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज इनकी पालखी लेके 15 दिन ना किसी का किसी से नेता होता है, किसी ना किसी का कोई अरेंजमेंट की कोई फिक्स गारंटी नहीं होती है, ना किसी को कोई खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई पता नहीं होता है। फिर भी 10 लाख लोग चंद्रभागा सोलापुर जिले में पांडुरंग को, विट्ठल भगवान को मिलने के लिए चले जाते हैं। और आज उसका आषाढ़ी एकादशी का दिन है, और इस दिन ये भक्तों के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा के तौर पर साईवाणी का प्रारंभ करते हुए वे आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। कितनी खुशी है ना, कितना अच्छा दिन है। मतलब आज इस त्योहार को भक्त जो अपनी भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, देखिए ना, 10 लाख लोग आते हैं, ना किसी को किसी का न्योता है, ना किसी ने किसी के लिए कुछ अरेंजमेंट करके रखी है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, कहाँ खाना पीना है, इसका कुछ तय नहीं है। फिर भी ये पूरा जो जितने भी लोगों का सब पंडाल है, वो अपने भक्त के, अपने भगवान के प्रति इतना श्रद्धालु है कि जिसमें उनको अपने पांडुरंग विट्ठल मिल जाते हैं। और ये जिस तरह से अपने श्रद्धा का फल अपने भक्तों को विट्ठल के थ्रू से मिलता है, भगवान की तरफ से आपको जो सुख शांति और समाधान मिलता है, उसी सुख शांति और समाधान के प्रति साईं बाबा ने एक वचन कहा है, सबका मालिक एक है। और उन्होंने दूसरा वचन कहा है, श्रद्धा और सबूरी। मेरे प्यारे भक्तों, आज यहां साईवाणी की शुरुआत करते समय मुझे बड़ी खुशी हो रही है। विश्वास बहुत मायने रखता है। जहां विश्वास है, वहां आपको आपके जीवन में अगर श्रद्धा और सबूरी के साथ रहोगे ना, तो आप फल प्राप्ति जरूर हो जाएगी। 21वीं सदी में आज बाबा के विचार कैसे अनमोल है, इसके प्रति बोलने के लिए मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूं, उसमें मैं कुछ चीजों को यहां फिर से दोहराना चाहता हूं। वो आए और आकर चले गए, 100 साल हो गए। शरीर रूप में बाबा हमारे साथ नहीं है, लेकिन बाबा की हर अभूति, हर इच्छा, हर आकांक्षा, हर विचार हमारे साथ है। शिरडी में जब हम पधारते हैं ना, तो हमें बाबा की आभास हो जाता है कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमें सुन रहे हैं, बाबा हमारे समस्याओं को दूर कर रहे हैं। उस प्रकार का जो आपके जीवन में क्रांति आती है, उसके लिए मैं पहला वचन आप सबको कहना चाहूंगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और फिर कुछ कह गए। मौन, धीर गंभीरता उनमें थी। विचारों के साथ बहुत सालों के पहले बुद्ध जी ने बताया था मौन का महत्व। आज मैं फिर से बाबा के वाणी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप जरूर कुछ दिन मौन रहिए। हफ्ते में एक दिन तो आप मौन होना ही चाहिए, फिर आपको पता चलता है कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। इतने विचारों के साथ जुड़ना है, फिर एक समझ लीजिएगा उनका दूसरा वचन क्या है। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, कुछ नहीं। बाबा तो ऐसे अपने सीधी सी एक पत्थर पे बैठे हैं, बट जीवन की देखिए समस्याएं कैसे होती है। अपनी अपनी समस्या अपने मन में लेके श्रद्धा के साथ जब हम समर्पित होते हैं, तो बाबा कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जो समस्या थी वो निकल गई और जल उठे दिए और अंधेरा छट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। सत्य की खोज
और सत्य को जान लेने की जो जीवन की कुछ घटित होता है ना, उसी की झलक समझ साईं बाबा के जीवन में अद्भुत मिसाल है। सत्य की गहरी पिपासा और उपलब्धि से घटित फकीरी का अप्रतिम सौंदर्य और वैभव ये बाबा का जीवन दर्शन को झांकने जैसा है। उनके मौन में गहराई से, जीवन में फलित शांति से और मिली जो विश्रांति है वो जीवन का फूल है। आज सुबह सुबह मैं एक बगीचे में गया और मैंने देखा वहां कुछ फूल उमल कर आए थे। शांत में तो मुरझा जाएंगे, लेकिन उनकी जो उमले हुई प्रसन्नता थी, उसी प्रकार हमारा जीवन छोटा सा है। निराशा को अपने पास मत रखिएगा। जो भी हमें समय मिला है वो फूल मुरझा जाने वाले हैं, धूल में मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी तरह से फूले हुए हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन जाना सबको है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है, लेकिन जीवन उस फूल की तरह होना चाहिए। बाबा ने यह बहुत अच्छी तरह से कहा नहीं है। नैराश्य को मत छुएगा जीवन में भाइयों। अगर कुछ करना है ना अपने जीवन में, हमेशा प्रफुल्लता, प्रसन्नता और सुख, शांति और समाधान अपने चेहरे पे होना चाहिए, अपने मन में होना चाहिए। और इसी का फलित है अलग अलग मार्गों से सत्य को खोजे और पाए जाने से रास्तों की तरह मंजिलें भी अलग अलग और भ्रांति होती है। साईं बाबा की जीवनी में एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और वो है कि उन्होंने कहा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दौड़ लड़ी लड़ी मुए, धर्म न कोड़ जाना, धर्म न कोड़ जाना। कबीर का दोहा है, कबीर के कुछ चंद शब्द ही है, हर शब्द में पूरा जिंदगी डूब सकता है, इतनी गहराई है उनकी शब्द में है। इसीलिए कबीर का हर शब्द समंदर की तरह है। आप ठीक से समझो, ये सब संतों ने एक ही विचार दिया है, परमात्मा को पाने की अगर शक्ति आप लोगों में है, एक बीज अच्छी तरह से बोओगे ना पूरे धरती में हरियाली करेगा। अगर वही बीज सड़ गया तो कुछ भी नहीं करेगा। जीवन में हर आदमी, कोई राम बन सकता है, कोई कृष्ण बन सकता है, कोई भगवान बन सकता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बनता। जीवन की सच्चाई को जानो। मैं आज साई वाणी के इस मैगजीन का जो आज मैंने शुरुआत की है, साई बाबा की वाणी, मैं साई वाणी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में और भारत के बाहर जाके मैं आज करने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें से मुझे यही कहना है कि बाबा के विचारों को अपने जीवन में लाओ। शिरडी में जाने के बाद आपको फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करो। प्रयास करने से ही यश मिलेगा, उसमें कोई दोहराव नहीं है, लेकिन श्रद्धा के साथ प्रयास करो, फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आज की साई वाणी में साई बाबा के विचार को समझाने के लिए मैंने कबीर के कुछ दोहों को लिया है, और ये दोहे इसीलिए महत्वपूर्ण हैं कि आप अपने जीवन के प्रति एकदम सतर्क हो जाएंगे। और इन्हीं चीजों को, धर्म के मर्म को न समझने वाले तथाकथित धार्मिक लोग हमेशा से लड़ते रहते हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ऐसा नारा क्यों देने की जरूरत पड़ी, क्यों देने की नौबत आई? इसलिए आई क्योंकि इस युग में तो साईं बाबा का होना धर्म को मर्म से समझने का सौभाग्य दुर्लभ अवसर जैसा है। अरे कितने साल पहले उन्होंने कहा, भाइयों सबका मालिक एक। आज भी उनके मंदिर में आप जाएंगे तो यही वर्ड आपको दिखेंगे, यही शब्द उनको दिखेंगे। आंखों में जो विचारों की ताकत होती है ना, यही बाबा की ताकत है। आज मैं आप सब भाइयों और बहनों को यहां कहना चाहता हूं, इन्हीं सदियों के पहले उन्होंने जो हमें जो सिद्धांत दिया है उसको आप अपने जीवन में जोड़िए। अलग अलग धर्मों के रास्ते पर बाबा के पास आकर एक होते हैं, नजर आते हैं। आज भी सभी जात धर्म पंथ समाज राष्ट्र के लोग बाबा के यहां आते हैं। कोई नहीं कहता वहां आके, मैं एक ही बात कहता है कि मैं साई का भक्त हूं। साई बाबा ने अपने निजी जीवन में संबंधित प्रश्नों को कभी उत्तर देकर, कभी गुमशुदा मतलब शांति से, कभी कभी उन्होंने मौन होकर भी बहुत सारे प्रश्नों को सुलझाया है। और इसी का ध्यान रखते हुए आत्मज्ञान की तरह भी उन्होंने
केंद्रित करने के लिए जब बाबा मौन होते थे ना, तो सबको सलाह देते थे चुप बैठो। बहुत सारे प्रश्न शांति से बैठने से निकल जाते, हल हो जाते। जीवन की भी यही दिशा है। जितना बोलने से, जितना एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से समस्याएं खड़ी होती है ना, उतना मौन रहने से नहीं होती। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट हुआ कुलिच, बहुत कम बोलता था, बहुत कम। इसीलिए पूरे देश के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए उसमें कम से गालियां उनको मिली। जाते समय उसने, उसके एक मित्र ने पूछा, कुलिच तुम बहुत कम क्यों बोले? उसने कहा, जब जब बोला तब तब मैं समस्या में से घिरा गया। एक समय में अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एक निजी कार्यक्रम में वो गए और वहां एक महिला ने शर्त लगाई कि मैं आज कुलिच से कम 3 शब्द तो बोल के रखूंगी। और वो कुलिच के पास जाती है और बोलती है कि मैंने आज शर्त लगाई है मेरे दोस्तों के साथ, कम से कम आपसे मैं 3 शब्द तो उगा लूंगी। कुलिच 2 ही शब्द बोल देते, यू लूज, यू लूज। तीसरा बोलते ही नहीं। इसी प्रकार जीवन में अपने शब्द भी बहुत मौन के साथ जोड़ो, कम बोलो। अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं कम बोलने से हल हो जाती है। साईं बाबा का दूसरा वचन, कम बोलना मतलब क्या? आराम से विचारों को कम करो, नहीं तो आग बंद करके ध्यान के लिए बैठा है और मन में हजारों विचार चल रहे, बाकी काम करते समय कम आते, ध्यान में बैठने के बाद ज्यादा आते, कोई फायदा नहीं। अंतर्भार से शांत होना मतलब मौन में जाना और मौन के साथ ध्यान में जोड़ना। ध्यान करने वाली चीज नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी से ये ध्यान के बारे में बताऊं। साईं बाबा ने अपने जीवन में ध्यान का महत्व बहुत पता है, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, अभी बारिश के दिन है, बहुत सारे नदियों को बाढ़ आती है। अभी बाढ़ में उल्टा तैरोगे ना तो तकलीफ होगी। बाढ़ में जब पत्ता डालोगे ना तो पत्ता जैसे बाढ़ का पानी लेके जाता है वैसा चला जाता है, वो कभी डूबता नहीं है। आपने देखा है जो आदमी गलत तरीके से हाथ पैर हिलाता है वो डूब जाता है, और मुर्दे को तो आपने तैरते हुए देखा है। जिंदगी में कुछ ऐसी समस्या है, उनके साथ झगड़ो मत, सिर्फ देखो, साक्षी भाव बनो उनके, और फिर समस्या ऑटोमेटिकली निकल जाती है, चली जाती है, समस्याएं रहती नहीं है। और जब समस्याएं नहीं रहेगी तो आप उसकी तरफ देखने लगोगे पॉजिटिव विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ, और फिर जीवन अच्छा है। दूसरा, मैं कबीर का यहां दोहा लेके बाबा की जीवनी को समझाने का प्रयास करूंगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ रहने दो मैन। क्या है इसका अर्थ? कितना मार्मिक अर्थ है। यू तो साईं बाबा के जीवन का अधिकांश हिस्सा शिरडी में ही बिता, पर आज जब उनके पुण्यतिथि को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, जब वो बाबा के जीवनी को, बाबा ने अपने समाधि लिए हुए अपने शरीर को छोड़ते हुए 15 अक्टूबर 2018 को 100 साल हो जाएंगे, उनके दिए जीवन में संदेश दिन प्रतिदिन और भी तेजी से दुनिया भर फैल रहे। 8,000 टेम्पल पूरे वर्ल्ड में है, 2,500 टेम्पल अब्रॉड में है, फॉरेन में है। उनके बताए गए भक्ति और ज्ञान के मार्ग को आज लाखों लोगों ने अपने जीवन में सराहा है। इस तरह से बाबा को जानने और मानने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है, वृद्धि होती है, और भक्त की संख्या भी बढ़ रही है, गणना भी बढ़ रही है। कुछ लोग अपने अपने तरीके से कुछ चमत्कार करते हैं, बाबा ने कभी चमत्कार, देखिए एक बात है बाबा के जीवन के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो करेगा वो भरेगा, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उन्हीं के प्रकार जो शब्द अपने तक पहुंचना जरूरी है, बदलेगा समय बदलेगा जमाना, बदलेगा समय बदलेगा जमाना, अचल है सत्य होता नहीं पुराना, अचल है सत्य होता नहीं पुराना। केवल चमत्कार को नमस्कार और मुराद पूरी न होने पर भगवान को बदल लेने वालों के आज भक्तों की भीड़ भरी चलती जा रही है। श्रद्धा और सबूरी को बिल्कुल खाली लोगों का हृदय आज असंतोष और लोभ से भरा है। मांग के पूरा होने की आस और झूठे अंधविश्वास को लोग क्रमशः आस्था और श्रद्धा से समझने में भूल कर बैठते हैं। आज हमने साईं बाबा को, हजारों मंदिर को खड़े कर दिए और
उनके बताए हुए श्रद्धा और सबूरी को आत्म सात कर आत्मज्ञान को उपलब्धि की अनिवार्यता को बिल्कुल भी भूल नहीं गए, तभी बाबा को सही श्रद्धांजलि होगी, तभी बाबा के विचार और सिद्धांतों को चलेंगे लेके हम। बाबा ने अपने जीवन शैली में उदारता, करुणा और परोपकार को जो पाठ पढ़ाया था वह हमारे ख्याल में बिल्कुल तय ही करना है और हमारा हृदय इसी चीजों के लिए हमेशा धड़कना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? अन्नदान करो, शिक्षा दान करो, समाज में गरीब लोगों के प्रति श्रद्धा रखो, भाव रखो। जीवन में उन्होंने हमेशा कहा अच्छा करो, परोपकार करो, जाति जाति में भेदभाव ना करो। यही तो उनके विचार है, और ये विचार अगर हम उसको नहीं स्वीकार पाएंगे तो क्या फायदा फिर बाबा का नाम लेके। साईं बाबा ने जो अपने विचार जिंदगी में दिए ना, वो आज करने लगोगे ना भाई और बहनों, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अपनी मन की जो भी इच्छा है, समाज के प्रति अगर अच्छी है, तो आपको यश और फल प्राप्ति जरूर मिलेगी। था खाली हाथ पर खुले हाथ दबाटा, उगा गए फूल जहां चुभता था कांटा। कबीर का यह दोहा भी बहुत ही अच्छा है, मैं फिर से दोहराना चाहूं। था खाली हाथ पर खुले हाथ दबाटा, उगा गए फूल जहां चुभता था कांटा। आप समझ गए बाबा का यह वचन? समझ गए क्या नहीं समझ गए? आज हमें फिर से साईं बाबा के जीवन को याद करते हुए हृदय की नरमी और उपजने वाले भलाई से भरे मन को तैयार करने की आवश्यकता है। आपने बहुत सारी बाबा की कहानियां सुनी होंगी, उन्होंने पानी से दिए जलाए, उन्होंने बहुत सारे पीड़ित लोगों को अपने ठीक किया, बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए। मैं एक ही कहना चाहता हूं, 21वीं सदी में चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। इंसान ही बहुत बड़ा महाचमत्कारी है, वो कुछ भी कर सकता है। चांद सूरज तक पहुंच गया, हिमालय तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बाबा का वचन भी यही कहता है, अगर वैराग्य और सादगी से भरा जीवन हो ना, तो ध्यान साथ साथ रोज मरे की कार्यों से भी उनकी सक्रियता बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ जाती है। नीम के पेड़ तले बसेरा इस बात की सूचना देता है कि आत्मज्ञान और स्थित प्रज्ञ होने से मिले अविचल मन को अपने सामने संसार की बड़ी बड़ी समृद्धि को भी फीकी हो जाती है। आत्मध्यान में उत्सुकता दिखाने पर बाबा को जिज्ञासुओं से रामायण, गीता और कुरान पढ़ने की सलाह देना इस बात का तरफ इशारा है कि सत्य मायने रखता है, श्रोते चाहे कोई भी क्यों ना हो। अंततः बाबा ने अपने जीवन में कहा है, आपको क्या दिखाता है, उनकी क्या क्या सोच क्या थी, उनका क्या संदेश था हम सब के लिए। उन्होंने कहा था, गहराई पर निर्भर करता है। जैसा कोई महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तीन जैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तीन तैसी। इसलिए इस साईवानी की पत्रिका हो या मेरा विचार हो, मेरा जो साईवानी का यह प्रयास जो है, इसके माध्यम से बाबा हर किसी के अंदर आत्मज्ञान की ज्योति को जलाने का प्रयास जरूर करेंगे। बुद्ध जी ने भी कहा था, अप दीप भव, अपने अंदर का दिया जलाओ, फिर देखना दूसरों को दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं साईवानी का जो छोटा सा प्रयास कर रहा हूं ना, वो बाबा के अनमोल विचार है। मैं देने का माध्यम हूं, जरिया हूं, और एक छोटा सा जरिया हूं मैं आप सबको यहां कहना चाहता हूं कि आप अपने आत्मज्ञान को प्रेरित करने वाली बातों का ख्याल करो। आशा है कि जीवन को जान लेने की गहरी जिज्ञासा और सत्य के लिए अपने हृदय के दरवाजे खुले रखने वालों को ये हमेशा मेरे विचार प्रेरणादायी रहेंगे। इसीलिए आज मैं बाबा के लिए भजन को शुरू करने से पहले जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। साई का दर है सुहाना, चलो भक्तों मिलके। साई का दर है सुहाना, चलो भक्तों मिलके, चलो भक्तों मिलके, चलो भक्तों मिलके, चलो भक्तों मिलके।
भक्तों का दिल भी दीवाना, चलो शिरडी मिलके। श्री सदगुरु साई ने सबको बुलाया, श्री सदगुरु साई ने सबको बुलाया, साई की महिमा गाएं, चलो भक्तों मिलके। हाँ जी गाएं, मिलके गाएं, चलो भक्तों मिलके। ध्यान विज्ञान, शरीर और मन के कण कण को छू जाता है ध्यान। बहुत सारे प्रश्न पूछने से पहले मेडिटेशन और ध्यान के प्रति मैं आपके साथ सही वाणी के इसी कार्यक्रम में मैं कुछ चीजों को दोहराना चाहता हूं। ध्यान से जगने वाले अद्भुत शारीरिक और मानसिक शक्तियों को कहानियां यूं ही तो प्राचीन ऐसी ही तो नहीं बनी होंगी ना। वैज्ञानिक शोधों और उसके तथ्य को जानने के लिए ध्यान से शरीर और मस्तिष्क की छोटी छोटी इकाइयों को लाभकारी बदलाव आती है, ऐसे अमेरिका में संशोधन हुआ है। हाल के वर्षों में शोधों से पता चल रहा है कि स्वास्थ्य और खुशहाली के अलावा ध्यान का असर आयु पर भी पड़ता है। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से ही बना है और इन कोशिकाओं के लगातार विभाजन से शरीर में वृद्धि और शरीर का रुक रुखाव होता है। उम्र के ढलने के साथ कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमोजोन के सिर पर टोपीनुमा बनावट, जिसको टिलोमियर बोलते हैं, बोली भाषा से यह शब्द थोड़े अलग है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप थोड़ा सा शांति से सुनोगे तो समझ जाओगे। लेकिन कोई भी चीज करने से पहले हमें क्यों यह चीज करनी चाहिए यह पता होना चाहिए। साइंटिफिक शब्द मैं इसीलिए यूज कर रहा हूं कि आजकल यहां पढ़े लिखे नौजवान मेरे भाई बहन बैठे हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि गूगल के माध्यम से वो हर चीज को समझना बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में वो एक उपलब्धि है आज। पहले नहीं था, पहले बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते थे, विश्वकोश पढ़ने पड़ते थे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी। आज इंटरनेट के माध्यम से जमाना बदल चुका है और ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप भगवान को भी इंटरनेट में दर्शन करोगे ना तो भगवान भी आपको इंटरनेट पे आशीर्वाद देगा। आज अपने जीवन में थोड़ा सा महत्व है अपने शारीरिक हलचालियों को, अपने शरीर को काम दे दो। गांधी हमेशा कहते थे कि प्रधानमंत्री हो या बाल काटने वाला कोई बंदा हो, दोनों का मेहनत सेम है, दोनों को भी खाने के पहले शारीरिक श्रम करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस चीज में है कि ध्यान क्यों करना चाहिए। टिलोमियर से छोटा पड़ने के बाद बुढ़ापे में जो बीमारियां लगती है ना, वो आजकल जल्दी आने लगती है। मतलब जैसे कि तौर पर रक्तचाप हो, हृदय की बीमारियां हो, मधुमेह हो, टिलोमियर के छोटा या तेज होने से बहुत सारे अपायकारक चीजें बनती है। उसका रीजन भी है, उसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि तनाव है, हम बोलते हैं डिप्रेशन में गया आदमी, क्यों गया, अनुचित खान पान है, सोने की कमी है, धूम्रपान है, शराब का सेवन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आई और हमारी जिंदगी को बर्बाद कर गई। जो ध्यानी आदमी है ना, इन चीजों में नहीं पड़ता, देख लीजिएगा। काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार, ऐसी चीजों से अगर दूर रहना है ना तो ध्यान करो। आप बोलोगे आप क्या बात है, ध्यान से सब कुछ ठीक होता है? जरूर होता है, लेकिन उसका कंटिन्यूटी सातत्य होना बहुत जरूरी है। 2016 में अमेरिका में एक शोध से पता चला कि लंबे समय तक ध्यान करने वाले लोगों में अलग अलग तरह के तनाव का असर कम पड़ता है। एक दूसरे के अध्ययन से ये बातें सामने आई कि ध्यान के प्रयोग से सक्रियता रखने वाले लोग अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों के समय, बहुत सारे ऐसे चीजें जब उनके जीवन में उलट पुलट हुई तो वो
स्थिर रहे, स्टेबल रहे, और इसी के साथ जीवन में अपने जीवन में जो वृद्धि पाना था वो उन्होंने किया। हाल ही में स्पेन में एक दल के द्वारा शोध गए निबंध के प्रति कहा गया था कि टोलीमेयर और लंबाई ध्यान करने वाले लोगों के समान उम्र और जीवन शैली जीने वाले लोगों से ज्यादा होती है। सामान्य जीवन जो लोग जीते हैं ना, उनकी जीवन शैली और ध्यान करने वाले में बहुत फर्क है। इन खोजों से यह पता चलता है कि मनोविज्ञान का क्या व्यापार चल रहा है, उसका रवैया क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, उसके जीवन में उसने क्या क्या बदलाव लाए हैं। इन्हीं चीजों के ऊपर अगर हम सोचें तो हम ज्यादातर सकारात्मक रहे, तनाव से दूर रहे, इन चीजों के लिए एक घंटा ध्यान मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। वो कैसा करे, क्या करे, मैं आने वाले अगले शिविर में आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज से आप संकल्प ले, दृढ़ संकल्प ले। संकल्पवान व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से अपने दो आंखों के बीच कॉन्सेंट्रेशन ध्यान करती है, और जो व्यक्ति संकल्प अधिष्ठित नहीं होती उसकी ऊर्जा हमेशा नीचे की तरह बहती है। इसीलिए कुछ लोग देखिए अपने जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस खा रहे, पी रहे, जी रहे, दिन आ रहे, ढल रहे, क्या करना है पता नहीं, कैसे करना है पता नहीं, कहां जाना है पता नहीं, क्या करने की ख्वाहिश नहीं, कुछ नहीं। फिर वो लोग संकल्प अधिष्ठित नहीं होते। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति दौड़ते हैं वो अपने मूलाधार चक्र को बांध के काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार जैसी चीजों को दूर करके, छोड़ के नहीं बोल रहा हूं मैं, दबा के नहीं बोल रहा हूं, दबाने जाओगे तो वो तो बस्टिंग होगा ही, लेकिन उस पे विजय प्राप्त करके वो अपनी अग्नि के ऊपर की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने दोनों आंखों के बीच मेडिटेशन करते समय ध्यान की जो पराकाष्ठा होती है उसको अपने जीवन में लाने के बाद जीवन कितना अच्छा है ये पता चलेगा। एक बात कही गई है, फिर से मैं कहना चाहूं कि भावुकता से निर्णय ना ले। 2011 में एक अन्य संशोधन से पता चला कि 8 सप्ताह भी ध्यान के बाद सीखने, वाददाश्त, आत्मदृष्टि, करुणा और आत्मविश्लेषण से मस्तिष्क के हिस्सों में बदलाव आया, शारीरिक और मानसिक दोनों की तरफ। हल्का महसूस होता है, हल्का। कभी कभी आप देखते हैं ना योग के लोग जमीन से 4 फुट ऊपर दिखाते हैं, वो 4 फुट ऊपर जाते हैं नहीं जाते मुझे पता नहीं, लेकिन वो उतना हल्का महसूस करते हैं। जितना आदमी भरा भरा उतना आदमी खाली, जितना आदमी खाली विचारों से उतना आदमी हल्का हो जाता है। आप अपने जीवन में देखो, ज्यादा तनाव में रहोगे ना आप हमेशा एकदम आप भरे भरे लगोगे, लेकिन जब आप फ्री रहोगे ना, हंसते रहोगे, हंसी सिर्फ बाहर वाली नहीं, अंदर से हंसी आनी चाहिए, फिर चेहरा देखो कितना मुलायम हो जाता है, नम्र हो जाता है और लोगों को प्रेरित कर लेता है, प्रोत्साहित कर लेता है। उसी प्रकार ये छोटी सी चीज है ध्यान की, इन्हीं इकाइयों को पर आज नजर डाले और बड़े बड़े अंदाज को, बड़े बड़े काम को अगर अपने जीवन में अंजाम देना हो तो ध्यान के प्रति सजग हो जाए और अपना जीवन बनाए। जीवन के बहुत सारे समस्याएं को हमने जब देखा, उसके प्रति हम सब सजग हुए, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे और उन्हीं प्रश्नों को जवाब देने से पहले मैंने एक एक चीजों को आपके सामने रखा। क्रोध ये बहुत बड़ी कीड़ है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने समान है। इसे आप ही जलते हैं, आप उसके ऊपर फेंकोगे जरूर, बट उसके पहले तो आपके हाथ में ही है ना, वो आपको ही जला देगा। गर्म कोयला, इमेजिनेशन करो आप मैं जो बोल रहा हूं उस चीज का। क्रोध कभी मत करना। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। इसका मतलब यह भी समझो कि मैं ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिल रहा है, मैं ये सोचता हूं कि मैंने क्या दिया है, मैंने क्या किया है। चाहे वो अपने मित्र हो, घर के लोग हो, या राष्ट्र हो, कार्य हो, या जीवन हो, हर चीज में आप ऐसा सोचो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना ये उसकी एक गलती होगी, और दूसरी शुरुआत ही ना करना। आप केवल वही खोते हैं जिसको आप चिपक जाते हैं, चिपको मत। जीवन में कोई भी चीज आप लेके नहीं आए हो, लेके नहीं जाओगे। आज तक कोई आदमी एक सुई भी ऊपर लेके नहीं गया, यानी इसका मतलब कुछ करो ही मत ऐसा नहीं है, इसका मतलब है चिपको मत, उस चीज की लालसा मत करो।
पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक रास्ता और यात्रा तय करना। हम जो सोचते हैं ना वही बन जाते हैं, बस सोचो दिल से और प्रयास करो बस। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है। दर्द तो मिलने वाला है, दुख होने वाला है, बट उसके लिए डरो मत, उसको फेस करो, सामना करो उसका। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए ही लंबा है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन भी लंबा है। अपने जीवन में जब अपने अपने किसी नजदीकी मित्र और किसी अच्छे कार्य में होते हैं तो समय तुरंत चला जाता है, लेकिन आप अपने हॉस्पिटल में किसी के लिए अगर रुके हैं तो एक एक मिनट आपके लिए घंटे जैसा महसूस होता है। क्यों क्यों? समय तो वही है, समय सिर्फ मन की प्रसन्नता के ऊपर हम उसको सोचते हैं कि अच्छा है या बुरा है। साईं बाबा ने इसी चीजों को लेके कुछ चीजें हम सबके सामने रखी है। वो कहते थे तुम चाहे करो कि कुछ ना कुछ जरूर करना, हमेशा इस बात को याद रखो, मुझे हमेशा इस बात का न्याय करना कि तुम क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो कि नहीं, लोगों के लिए कर रहे हो कि नहीं, दूसरों के लिए जल रहे हो कि नहीं, हमारा कर्तव्य क्या है, ठीक से व्यवहार करना ही काफी है। मैं अपने भक्तों का दास हूं, वो कहते थे मैं दास हूं, उन्होंने कभी महल में नहीं रहे हो, फटे हुए कपड़े बाबा ने पहने, लोगों के लिए सेवा की, यही तो उनके जीवन की सार है। विवेकपूर्ण ढंग से और अनासक्त होकर अपना कर्तव्य ऐसे करो जैसे कि तुम करने वाले नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में एक यंत्र मात्र हो। तुकाराम महाराज जी ने कहा था कि मी देव शोधन्यासी गेलो आणि देवच होऊनी ठालो, मैं भगवान ढूंढने चला गया और भगवान ही हो गया। इतना बड़ा कार्य करोगे ना अपने जीवन में, लोग खुश हो जाते हैं और फिर आपको ही भगवान मानने लगते हैं। याद रखना एक समय, अपने कार्य के प्रति अपने तपस्या इतनी होनी चाहिए कि वो कार्य अपने कदमों में आके गिरना चाहिए। महावीर ने भी इसी सोच के ऊपर कहा है, मैं बुद्ध साईं बाबा महावीर इनके विचार क्यों दे रहा हूं, आपके सामने आज रियल हीरो की जरूरत है बाबू। समाज के प्रति अगर आप कितने भी कार्य करना चले जाओगे और अपने सामने अगर कोई आइडल्स कोई आदर्श नहीं होंगे तो आप भटक सकते हैं। लोग कहते हैं कि हजारों बुक्स पढ़ो ज्ञान मिलेगा, मैं कहता हूं एक मित्र को मिलो जो अपने को ज्ञान देगा और एक विचार को मिलो वो अपना जीवन बदल देगा। भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, वो हर सही दिशा में वो अपने साथ होता है, अपने प्रयासों में अपने कार्य में ही देवत्व प्राप्त कर लेता है। आनंद बाहर से नहीं आता, प्रत्येक आत्मा स्वयं ही सर्वज्ञ और आनंदमय है। एक व्यक्ति जलते हुए जंगल में मध्य में ही एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा है, वह सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि जल्दी ही उसका भी यही हल होने वाला है। आदमी ही वह उसकी मूर्खता की सोच है, सेक चिल्ली जैसी सोच है, जिस ताली को तोड़ रहा है उसी में बैठा है और फिर गिरने के बाद चिल्लाता क्यों है, जो कर्म करेगा वही फरेगा, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। किसी को प्यार से बात करो भी प्यार से बात करेगा, गाली दो गाली मिलेगी। जिस तरह से जीवन में अच्छा कार्य करो आपका सब अच्छा हो जाएगा। भक्ति का शिखर, भक्त प्रार्थना करता है देवता खामोश रहता है, पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता है, पर खामोशी में ही वो कुछ बुनता है। भक्त के अनंत धैर्य की परीक्षा चुक जाती है जब सारी इच्छा, झंकृत होता है खामोशी का स्वर, दिखना हर तरफ ईश्वर पीछे टूटता नश्वर। भक्त के हृदय में लबालब परमेश्वर, भक्त के हृदय में लबालब परमेश्वर। दुख में अवसर, सभी लोग दुखी होते हैं लेकिन दुख में भी एक अवसर मिलता है, उसी के लिए मैं ये प्रेरित कविता आपके लिए कहूं। दूर तक जब नहीं दिखता रास्ता कोई, जब बुद्धि भी थक कर हो सोई सोई, दूर तक जब नहीं दिखता रास्ता कोई, जब बुद्धि भी थक कर हो सोई सोई, चकनाचूर हो जाती सारी आस, मिट जाती सब भूख प्यास, चकनाचूर हो जाती सारी आस, मिट जाती जब भूख प्यास, अपने हैसियत का होता एहसास, अपने हैसियत का होता एहसास, परिस्थितियों के विशाल चट्टान से टकराती, अहंकार की यह लहर चूर चूर हो जाती,
परिस्थितियों के विशाल चट्टान से टकराती, अहंकार की ये लहर चुरचुर हो जाती। तब भी कुछ हो जाता है, जगता है अंदर, जन्मों जन्मों से भुलाया गया एक समंदर, जन्मों जन्मों से भुलाया गया एक समंदर, जिसमें झांकने का भी प्रयास ना हुआ कभी, जिसमें झांकने का भी प्रयास ना हुआ कभी, जिसको मन का भ्रम मानते हैं सभी। संकट की घड़ियों को मानकर एक अवसर, संकट की घड़ियों को मानकर एक अवसर, भ्रम की दीवारों पर लगाने का नश्तर। आत्मसमर्पण की दुर्लभ मजबूरी, विवशता में अपने आप हो जाती है दूरी। टूटे हुए आशाओं में टुकड़े का न पकड़ो, निरर्थक हा पानी दांतों से ना जकड़ो। छूटती हो तो छूट जाने दो आशा, छूटती हो तो छूट जाने दो आशा, साथ ही गिर जाएगी घोर से घोर निराशा, साथ ही गिर जाएगी घोर से घोर निराशा। जिंदगी के खेल का गणित समझने का अवसर एक पुनीत, जिंदगी के खेल का गणित समझने का अवसर एक पुनीत, एक स्पष्ट दृष्टि का आगमन, एक स्पष्ट दृष्टि का आगमन, जब सब छोड़ होता अंतर्गमन। उसका मतलब है ध्यान, जब सब छोड़ होता अंतर्गमन, अंतस्ता का बादल सहित आकाश, समस्त दुखों भटकाओं से निकाश, समस्त दुखों भटकाओं से निकाश। धन्यवाद। अब बोलेंगे आप ऐसा क्या हंस रहे, एक बात कहूं आपको, हंसना है ना, मतलब बाहर से दिखाई हुई हंसी नहीं, जो दिल से हंसी आती है ना, वो आपके बहुत सारे दुख दूर कर लेती है। इसी के लिए मैं आज कुछ आखिरी समय में साइवानी के लिए चुटकुले बोलना चाहूं। अचूक औषधि मैंने ऐसा उसको टाइटल दिया है। ये टाइटल बहुत मायने रखता है, छोटे छोटे चुटकुले हैं लेकिन आप समझ लीजिएगा। एक छोटा सा बच्चा दुकानदार से पूछता है, अंकल गोरा होने का क्रीम है क्या? दुकानदार कहता है, हाँ है। बच्चा, तो फिर आप लगाते क्यों नहीं अंकल? मैं रोज डर जाता हूं। दूसरा मैं छोटा सा चुटकुला बताओ। पत्नी, आज रात का खाना बाहर खाएंगे। पति, ठीक है, हम किसी साधारण रेस्टोरेंट में चलें? पत्नी, नहीं, रॉयल पैलेस होटल में जाएंगे। पति, थोड़ी देर सोच के बाद, ठीक है, शाम 7 बजे चलते हैं। ठीक शाम 7 बजे दोनों कार से घर निकले। रास्ते में पति, जानती हो, एक बार मैंने अपने बहन के साथ पानीपुरी प्रतिस्पर्धा की थी, मैंने 30 पानीपुरियां खाई और उसको हरा दिया। पत्नी, इसमें इतना मुश्किल क्या है? पति, मुझे पानीपुरी प्रतियोगिता में हराना बहुत मुश्किल है। पत्नी, मैं आसानी से आपको हरा सकती हूं। पति, ठीक है, चलो देखते। पानीपुरी स्टॉल पर चलकर पति 25 पानीपुरा खाने के बाद रुक गया। पेट तो पत्नी का भी भर चुका लेकिन पति को हराने के चक्कर में 26 खाए और जीत की खुशी में चिल्लाई, तुम हार गए। बिल 50 रुपए आया। पति, रॉयल पैलेस होटल चले? पत्नी, नहीं, आप पेट में जगह नहीं बची, वापस घर चलो। पत्नी वापस घर आते हुए शर्त जीतने की खुश थी। निष्कर्ष, एक प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम निवेश में 7 कर्मचारी को संतुष्ट करना होता है। इसमें कम से कम निवेश पर मजबूत वापसी सुनिश्चित होती है। इसका मतलब है अपने जीवन में हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। लड़का, ये दूसरा चुटकुला है, ठीक से सुनिएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में आकर रहो। लड़की, चप्पल निकालू क्या? लड़का, शायद सुनने में कोई भूल हुई, मैंने जिंदगी में आने के लिए कहा, मंदिर में नहीं।